आज से हमने भारतीय संविधान की सीरीज को प्रारंभ किया है और ये हम सतत रूप से आगे लेकर निरंतर चढ़ेंगे। ये जहाँ सामान्य धन की बात होती है वहाँ पे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक विषय का दर्जा के साथ साथ सामान्य धन में प्रश्नों की संख्या में भी अपना सबसे अहम और बड़ा योगदान देता है। उसीलिए क्रम में आज हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आप भी हमारे साथ पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि यह नोट्स आप अगर आप स्वतः बनाएंगे तो कहीं ना कहीं यह सबसे बेहतर नोट्स में से एक होगा। तो आप लोग भी साथ में पढ़ते रहेगा और लिखते भी रहेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग केवल बैठ के सुनते रहे कथा की तरह, आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते चलेगा। आज से हम क्रम एक एक करके वीडियोज को पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, खासकर सामान्य अध्ययन के लिए। तो हेडिंग डालिएगा भारतीय संविधान। वैसे अगर भारतीय संविधान को पढ़ा जाए पहले हम ये जान लेते हैं भारतीय संविधान क्या था, इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ था। इन सभी प्रक्रम को हम क्रम से पढ़ेंगे और आप भी साथ ही साथ हमारे नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान। तो हेडिंग डालिएगा संविधान किसे कहते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा पहले संविधान वह दस्तावेज, पहले हेडिंग डालिएगा संविधान, एक इंग्लिश डिफिनेशन लिख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। फिर आगे लिखिएगा, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार भी आप लिख लीजिएगा कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश के जनता एवं सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों एवं अधिनियमों का संग्रह होता है। यह भी जो डिफिनीशन है वो फैक्ट डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन आप और भी डाल सकते हैं, देखिए आप लोग भी लिख लीजिएगा, हम आराम आराम से बोल रहे हैं। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जा सकता है, ठीक। तो ये परीक्षा में तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन हाँ अगर हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बस इसीलिए हमने इसको बता दिया, फिर और क्रम में इसी क्रम में हम लोग और आगे भी पढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग को पढ़ना है तो आगे भी आप लिखते रहिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश में संविधान का होना काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जरूरी होता है। आप भी समझते रहिएगा, सुनते भी रहिएगा, लिखते भी रहिएगा। किसी भी देश के संविधान के आदर्शों के लिए चलाने के लिए एक कानून का होना जरूरी है। उसीलिए यदि कोई देश लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पे संविधान का होना अति आवश्यक होता है, ठीक। और किसी भी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि यह वहाँ किस प्रकार की सरकारें हैं। मतलब संविधान के दर्शन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस क्षेत्र में, उस जगह पे, उस राज्य में, उस देश में किस प्रकार का संविधान है या वहाँ कौन सी संविधान प्रक्रिया है या कौन सा संवैधानिक निकाय है, वहाँ जिस प्रकार की सरकार है। अच्छा, संविधान राष्ट्र के दर्शन की एक रूपरेखा होती है, यह भी आप जानते रहिएगा। संविधान क्या होता है, राष्ट्र के दर्शन की एक रूपरेखा होती है, ठीक। तो आप लोग भी सुनते रहिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसे नोट डाउन भी साथ में करते चलिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए संविधान किसी भी देश की आधारभूत विधि होती है, माने किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की आधारभूत क्या होती है, विधि होती है, फंडामेंटल क्या होती है, लॉ, फंडामेंटल लॉ होती है। मतलब किसी भी, जैसे बहुत बड़े घर बन जाए, मकान बन जाए, उसकी नींव जो होती है वो उसकी बिना, कहते हैं ना कि मकान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, नींव से पता चल जाता है कि मकान की मजबूती कैसी है। वैसे संविधान में किसी देश की जो आधारभूत कानून होता है, आधारभूत जो विधि होती है, जो फंडामेंटल लॉ होता है, वह होता है, ठीक, उसे हम कह सकते हैं। अच्छा, जो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, जो जनता की आकांक्षाओं को और उनकी विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, यह काम कौन करता है, संविधान करता है, ठीक। अच्छा, संविधान के संदर्भ, अगर संविधान के संबंध में देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार भी सूचित करता है, संविधान के संदर्भ में देखा जाएगा तो प्रत्येक देश के जो संविधान होते हैं वो अपने यहाँ के नागरिकों को क्या करते हैं, उनके कुछ अधिकार निश्चित करते हैं। उन्हीं अधिकारों के क्रम में हम लोग भी पढ़ेंगे, जैसे अगर हम भारतीय संविधान को आगे पढ़ेंगे, अभी तो उसका विकास पढ़ेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे हमारे देश में, हमारे देश के निवासियों को भी कुछ मूलाधिकार मिले हैं, कुछ उनके कर्तव्य हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। बस हमने यह सीखा कि किसी भी संविधान में उस देश के नागरिकों के साथ साथ, नागरिकों के साथ साथ वहाँ के सरकार को, वहाँ की जनता के लिए भी कुछ अलग अलग नियम और कुछ सीमाएं निर्धारित की गई, कहीं उनके लिए कर्तव्य की व्याख्या की गई है, तो किसी स्थान पर उनके लिए
कर्तव्य के साथ साथ उनके जो अन्य चीजें हैं, जैसे उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उन सभी की व्याख्या की गई। इसी क्रम में हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। देखिए, किसी भी चीज़ का जो विकास होता है एक क्रमिक विकास होता है। वैसे अगर भारतीय संविधान के अगर विकास की प्रक्रिया हम लोग पढ़े या विकास को पढ़ना चाहे, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग को ये देखना होगा कि ऋग्वैदिक काल से ही संविधान क्या कहीं ना कहीं विकास को पढ़ना प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो संविधान या किसी चीज़ का विकास होता है वो एक दिन का विकास नहीं होता या एक दिन के विकास का योग नहीं होता, उसके लिए क्रमिक विकास होता है। मतलब एक क्रम लगातार चलता रहता है, जिस क्रम के तहत संविधान का या किसी चीज़ का निर्माण होता है, उसी प्रकार जो हमारा भारतीय संविधान है वह भी लगातार क्रमिक रूप से चलते हुए पथ पर चलकर फिर बाद में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अब अगर हम लोग इसको देखा जाए कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुआ, भारतीय संविधान का भी जो निर्माण हुआ वह किसी एक निश्चित समय पर ना होकर बल्कि एक क्रमिक विकास के रूप में चलते हुए एक परिणाम के रूप में हमें प्राप्त हुआ। ठीक, एक क्रमिक विकास का एक परिणाम है और जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। वैसे तो चलता आ रहा है, हम ऋग्वैदिक काल से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान यह एक निरंतर क्रमिक चाल से चलते हुए हमें एक संवैधानिक दस्तावेज के रूप में प्राप्त होता है। अब हम अगर देखना चाहें भारतीय संविधान के विकास, तो भारतीय संविधान अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो भारतीय संवैधानिक विकास इसे भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, इसे क्या कर सकते हैं, हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसे दो भागों में क्यों डिवाइड करते हैं, भारतीय संविधान के अगर इतिहास को, भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास को, भारतीय संवैधानिक इतिहास को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा होगा, देखिए पहला क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसके पहले, माने ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले, ठीक, या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत लिख देते हैं, कंपनी के शासन के अंतर्गत हमें क्या मिला कि अगर भारतीय संवैधानिक विकास का इतिहास अगर देखते हैं, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला देखिए, दूसरा हो जाएगा ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत। अब हम देखेंगे इसको आगे क्रम से और पढ़ेंगे। अगर हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक अगर इतिहास पढ़ना चाहेंगे, इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ चलता हुआ या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लगातार चलते हुए या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के क्राउन के अंतर्गत। अगर ब्रिटिश सरकार के क्राउन के अंतर्गत अगर हम व्याख्या करें तो सीधी सी बात आती है कि जब देखेंगे कि 1757 की क्रांति होती है, उसके बाद 1758 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, तो इस प्रकार हम यहाँ 1600, क्योंकि अगर हम ये देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो ज्ञात हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में प्रवेश करती है। किस लिए, व्यापार करने के उद्देश्य। किस लिए, व्यापार करने के उद्देश्य क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। वास्तव में उसका इरादा कभी शासन करना नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या करती है, प्रवेश करती है एक मूलभूत कारण लेके, व्यापार करने। लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक मामले में हस्तक्षेप करते करते वह भारतीय संविधान की विकास की एक कड़ी बन जाती है। ठीक, इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास का जो इतिहास है दो भागों में डिवाइड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत। अब इसको हम एक एक करके के क्रम में अगर इसको पढ़ना चाहें तो देखेंगे, पहला अगर इसके अंतर्गत पढ़े, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़े, तो सबसे पहला जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या मिलेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके क्रम में नीचे लिखते चलेगा, क्योंकि कई किताबों में इसका जिक्र भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है किताबों में नहीं मिलेगा, हम भी तो किताब से ही पढ़े हुए हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर शासन के अंतर्गत देखेंगे तो पहला आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके ठीक बाद 11 वर्षों के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ध्यान दीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, जो भी भारतीय संविधान का जो क्रमिक विकास में वह भी एक
उपभोक्ता के रूप में मतलब एक उपयोगिता के रूप में आगे बढ़ता है। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार एक चार्ट तैयार हो जाए फिर हम देखते हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? चार्टर एक्ट आता है लगभग 1900 वर्षों के बाद। कब? 1793 में। क्या आता है? 1793 में चार्टर एक्ट आता है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो चार्टर एक्ट के बाद अगला चार्टर एक्ट आता है। फिर 20 वर्षों के बाद में वो कब आता है? 1813 में। कब आता है? 1813 में अगला चार्टर एक्ट आता है। फिर उसके बाद फिर अगला चार्टर एक्ट आता है। फिर 20 वर्षों के बाद कब आता है? 1833 में आता है। कब आता है? 1833 में। फिर अगला चार्टर एक्ट कब आता है? वह भी 1853 में आता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई, इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहला 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई, दोबारा 20 वर्षों में ना आकर कितने वर्षों में आई? 11 वर्षों में आई। क्या आई? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट उसके जस्ट बाद जितने भी चार्टर एक्ट आए उसके बाद लगातार अगर हम पढ़ना चाहें तो चार्टर एक्ट का जो क्रम है वो 20 वर्ष पे है। पहला क्या है? 84 के बाद 93 आया, 84 के बाद 19 वर्ष में 93 आ गया, 93 के बाद फिर 20 वर्ष के बाद चार्टर एक्ट 1813, फिर 20 वर्ष के बाद 1833, फिर चार्टर एक्ट 20 वर्ष के बाद 1853। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान की विकास की एक सीढ़ी बन गई। अगली सीढ़ी कहाँ होती है? अगली सीढ़ी जो होती है वह यहीं से टूट जाती है। कहाँ से? चार्टर एक्ट 1853 से। क्यों? क्योंकि उसके बाद 1757 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद आगे हम लोग देखेंगे क्रांति क्यों होती है, क्या परिणाम होते हैं, क्या ऐसे रीजन होते हैं। तो उस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों शासन लेकर छीनकर कहां दे दिया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया तब यहां से भी विकास शुरू हो गया। तो पहला जो आया इस क्रम में लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। पहला क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ठीक, क्या आया? 1858। ध्यान दीजिएगा, चार्टर इतिहास खत्म हुआ, अब क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ठीक है, आप लोग भी लिखते चलेगा, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर अगला आता है भारत परिषद अधिनियम। कितने बाद? 3 वर्षों बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है। ठीक, फिर उसके बाद 1892 में क्या आता है? भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत शासन अधिनियम 1992, फिर 1892, फिर भारत शासन अधिनियम 1909 में आया, फिर भारतीय परिषद अधिनियम फिर 1919 में आया, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में आया, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। तो इसी क्रम में ब्रिटिश क्राउन के बाद भारतीय संविधान का विकास इस क्रम में हुआ। तो ये क्रम आप नोट करते हुए चलिएगा और याद भी करना है आपको। जैसे हम लोगों ने रट्टा मारा पूरी किताब को, रट्टा मार दिया, ऐसे आपको भी रट्टा मारना होगा। अब इनके बारे में भी सबके बारे में अलग अलग बातें हैं, उन बातों को भी क्या करना है, हमें आसानी से पढ़ना है। ठीक, अब कुछ बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी सुनते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा। आप लोग भी लिखते रहिएगा और आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि केवल कथा की तरह सुनते रहिएगा, कथा सर सुना रहे हैं, सुनते जाइए। ठीक, देखिए महारानी एलिजाबेथ, शायद आपने नाम सुना होगा, पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, सुना है आप लोगों ने, महारानी एलिजाबेथ ठीक के चार्टर ने भारत के व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के क्या थे? विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कैसे अधिकार? विस्तृत, बड़े पैमाने पर उनको अधिकार प्राप्त थे। अच्छा, अब हम कंपनी क्या थी जिसके कार्य अभी तक व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, जिसके कार्य क्या थे? अभी तक व्यापारिक कार्यों के लिए ही सीमित थे, लेकिन उसने 1765 में बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व में राजस्व मामले में, जैसे पहले देखते 1757 की युद्ध होती है, ठीक, फिर 1765 की युद्ध होता है, तो 1764 का, इन युद्धों के बाद लगातार जो अंग्रेजी सत्ता थी वो मजबूत होती जा रही थी। और उसने क्या किया? फिर पहले उसने राजनीतिक मामला हस्तक्षेप किया, फिर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई प्लासी युद्ध में, फिर राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, इसी क्रम में उसने दीवानी राजस्व आदि के अधिकार धीरे धीरे प्राप्त करना शुरू कर दिया और भारतीय शासन व्यवस्था में, भारतीय शासन में अपने दखलंदाजी देना भी शुरू कर दिया। अब क्या होता है आगे देखते हैं, फिर देखते हैं कि बीच में वही 1757 की जब क्रांति होती है उसके बाद फिर इनके हाथों में चला जाता है, इसी क्रम में भारतीय संविधान का विकास हुआ था। तो आज हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत
क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम लोगों ने पढ़ा था, फिर इंडिया एक्ट पढ़ा था, फिर चार्टर एक्ट, फिर इस तरह से जो क्रम से हम लोग पढ़ रहे थे उन सभी के बारे में आराम आराम से पढ़ेंगे। और एक ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो को क्रमिक से क्रम एक के बाद एक के बाद एक देते जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी पहली वीडियो थी संविधान की, हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं अगर आपको समस्या हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आपको अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना उसके लिए 6306344367 पे ऑनलाइन क्लास के लिए उपलब्ध है, और हमारे फेसबुक पेज इलेनिक विदुर्गेश, और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ऐप पे नहीं जुड़े हैं तो हम वीडियो के लिंक के लिए वहाँ जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, और इलेनिक विदुर्गेश के साथ जुड़े जाइएगा। और आप सभी का इलेनिक विदुर्गेश में स्वागत है। और इसी तरह संविधान की हम सारी वीडियोज आपको लेकर आएंगे क्रम बाय क्रम, आप भी देखते रहिएगा, सभी साथियों को शेयर करिएगा, और आपके लोगों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।